गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट कलर स्पेक्ट्रा इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है मेटल टू लिगेंड में या लिगेंड टू मेटल में, मेटल टू मेटल और लिगेंड टू लिगेंड, हमने चार टाइप पढ़े थे। जब चार्ज ट्रांसफर होता है देन कलर शो होता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि वो कलर स्पेक्ट्रा जो आता है जब डीडी ट्रांजिशंस होती हैं, या कोई जब डीडी ट्रांजिशंस नहीं होती, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें चार्ज का ट्रांसफर होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में भी कलर आता है। वो जो कलर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो किस तरह का कलर आता है, कैसे आता है, आज वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरा वो लास्ट वीडियो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नहीं देखा तो प्लीज आप मेरा वो वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। नाउ आज का लेक्चर शुरू करते हैं, कलर स्पेक्ट्रा इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर स्पेक्ट्रा आता है, इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन है डीडी ट्रांजिशंस, ठीक है। डीडी ट्रांजिशंस कब होती हैं, जब स्प्लिटिंग होती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने स्प्लिटिंग पढ़ी थी, ये सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर मेरी वीडियोस नहीं देखी तो, ठीक है। अब कलर दो तरह से शो होता है, डीडी ट्रांजिशंस जब होती हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जिनमें डीडी ट्रांजिशंस नहीं होती, उनमें क्या होता है चार्ज का ट्रांसफर होता है, ठीक है। मेटल टू लिगेंड, इसके हमने चार टाइप पढ़े थे, उसकी वजह से कलर आता है, ठीक है। मेटल आयन शो कलर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशंस इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग इज अकर। अब देखो वो स्प्लिटिंग कैसे होती है। स्प्लिटिंग में हमने दो केस पढ़े थे, टेट्राहेड्रल इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑक्टाहेड्रल का आपको शो करके बताया कि कलर कैसे आता है। देखो ये हो गया डी के ऑर्बिटल्स, ठीक है। डी के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, फाइव। ये क्या है, डीजनरेट। डीजनरेट मतलब जो इसका एनर्जी लेवल है वो सेम है पांचों ऑर्बिटल्स का, ठीक है। नाउ जो इनकी शेप होती है डी ऑर्बिटल्स की, पांचों ऑर्बिटल्स की, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग आती है, ठीक है। स्प्लिटिंग अब किस में करी, हमने तीन ऑर्बिटल्स नीचे आ गए, दो ऊपर आ गए, इसका नाम हमने टी टू जी दे दिया, इसका ई जी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम मान लो डी वन कॉन्फिगरेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में शिफ्ट होके वो वापस अपनी जगह पे आएगा, देन वो कलर शो करेगा, ठीक है। इस तरह से डीडी ट्रांजिशंस होती हैं और कलर आता है। यहाँ पे मैंने साइड में लिखा भी है, व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड शिफ्ट टू अपर लेवल, दैट्स व्हाई इट शो कलर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आगे लाइन नहीं लिखी, अपर लेवल से देन वो लोअर लेवल पे आता है, जब वो लोअर लेवल पे आता है देन कलर को शो करता है, ठीक है। अब एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं, जब हम अपने कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे सेंट्रल मेटल होते हैं, ठीक है। अब वो सेंट्रल एटम किसी का कलर ब्लू होता है, किसी का ग्रीन, येलो, पिंक, ठीक है। अब हम ये तो लर्न करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन से मेटल की कौन सी कलर आएगी, ठीक है। उसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है, Cr प्लस थ्री मतलब क्रोमियम और आयरन के ऊपर जब प्लस टू का चार्ज हो तो इन दोनों मेटल की जो कलर है वो ग्रीन आएगी, कॉपर की कलर ब्लू होती है, Fe3 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पे टू पॉजिटिव आएगा, सॉरी थ्री पॉजिटिव ही आएगा। इसमें क्या है, जब तो मेटल जो है हमारी इन FeCl3 में, ठीक है, इन केस ऑफ FeCl3 आयरन जो मेटल है वो हमें येलो कलर देगी और बाकी सब में ये ब्राउन कलर देगी, ठीक है। मैग्नीज का कलर पिंक होता है। अब इसको याद करने के लिए देखो, ग्रीन करेला फसा ब्लू कप में, ग्रीन करेला फंसा ब्लू कप में, पिंकी मानो मेरी बात। अब इसकी ट्रिक देखते हैं क्या है, ग्रीन जो कलर है, करेला मतलब क्रोमियम, फंसा मतलब एफी, इन दोनों का कलर ग्रीन है तो ये हमने बता दिया कि क्रोमियम और इसका कलर क्या है, ग्रीन, ठीक है। ब्लू कप में ब्लू कलर है, कप मतलब सीयू, ठीक है, सीयू का कलर ब्लू आ गया। पिंकी मानो मेरी बात, मानो मतलब एमएन, एमएन का कलर क्या आ गया, पिंक। और ये तो बहुत इजी है याद रखना, अगर FeCl3 आएगा तो येलो कलर आएगा, अगर बाकी कोई भी हमारा ये मेटल आएगी आयरन में तो कौन सा कलर आएगा, ब्राउन कलर आएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे आप याद रख सकते हो कि कौन सी मेटल का कौन सा कलर आएगा।
अब जो कलर है वो डिपेंड करता है लिगेंड्स पे, ठीक है। मेटल सेंट्रल मेटल के साथ कुछ ना कुछ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसके साथ अटैच होते हैं। अब वो लिगेंड स्ट्रोंग है वीक है उसके बेस पे हमें कलर पता चलता है, ठीक है। वो देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है K4, के पोटेशियम आयरन साइनाइड, ठीक है। साइनाइड जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंट है, और वाटर क्या है, एक वीक लिगेंट है, ठीक है। अब जब इसकी हम सेपरेशन करेंगे, चार्ज सेपरेशन करी, तो ये क्या आ गया हमारा कैटायन, और ये क्या आ गया अनायन। व्हाट इज कैटायन, व्हाट इज अनायन, कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, अनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, राइट। अब ये क्या है, वीक लिगेंट, ये क्या बन गया, अब ये जो कॉम्प्लेक्स था वो कौन सा, अनायन। अब इधर जो कॉम्प्लेक्स वन है वो कौन सा, कैटायन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जो साइड प्रोडक्ट बचा हमारा, मतलब बाहर है, वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं और कौन से वीक लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखो, पिरिडीन, अमोनिया, इथाइलिन डायमीन, बायपिरिडीन, NO2, साइनाइड, CO, ठीक है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सब में जो डोनर एटम है वो कौन कौन से हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन। मतलब इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, NC भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, ज्यादातर उसमें डोनर जो एटम होगा वो कार्बन या फिर नाइट्रोजन होगा, ठीक है। वीक लिगेंड्स कौन से होते हैं, जैसे कि सारे के सारे हेलोजन, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, OH नेगेटिव, CR, O4 नेगेटिव, H2O, ये सारे के सारे क्या है, वीक लिगेंड। इसमें मोस्टली जो डोनर आइटम होते हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर एंड हेलोजन होते हैं, राइट। अब हमें ये पता चल चुका है कि हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से होते हैं और वीक लिगेंड्स कौन से होते हैं, ठीक है। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे ज्यादा, फिर सॉरी ये सबसे ज्यादा आएगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब देखो नीचे, यहाँ पे मैंने शो करके बताया, जो मैंने ऊपर एग्जांपल ली थी Fe H2O6, ठीक है, सिक्स लिगेंड्स अटैच है वाटर के, ये मैंने सिक्स लिगेंड्स अटैच कर दिए वाटर के, वाटर क्या है, वीक लिगेंड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, +2। नाउ देखते हैं, अब जो भी कलर हमें शो हो रहा है एग्जैक्टली वो सब्सटेंस का वो कलर नहीं होता, ठीक है। अब मान लो कि हमें रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो वो उस सब्सटेंस का वो रेड कलर नहीं होगा, एक्चुअली में उसका कलर कोई और होगा, ठीक है। अब ये एक थ्योरी है, विबग्योर से हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि कोई भी सब्सटेंस जिसका कलर होगा वो उससे, उसका एक्चुअल कलर उससे अलग होगा, मतलब वो एब्जॉर्ब कोई और कलर करता है और शो हमें कोई और कलर होता है, ठीक है। वो देखो कैसे, अब ये मैंने विबग्योर लिखा है, इंडिगो कलर को हम एक बार छोड़ देंगे, वी वॉयलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड विबग्योर, ठीक है। अब मान लो कोई सब्सटेंस है जिसने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करा, एक्चुअली में जब हम उसको देखेंगे सब्सटेंस को, उसका कलर येलो होएगा, ठीक है। अब मान लो जितने भी यहाँ पे येलो कलर हमें दिखाई देते हैं, एक्चुअली में उस सब्सटेंस का कलर वॉयलेट होता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे शो की है कि ये एब्जॉर्ब करेगा ये शो होएगा, ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज शो होएगा, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करेगा तो वो रेड कलर शो होएगा, ठीक है। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। अब हमें ये चीज कैसे कॉन्सेप्ट है, इस फॉर्मूले से, इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा। ई क्या है एनर्जी, एच क्या है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10⁸, लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी और वेवलेंथ क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। अब यहाँ पे मैंने विबग्योर लिखा है, अब जब हम डाउन जा रहे हैं तो जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब वेवलेंथ हमें पता है कि जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या आ गया, जो एनर्जी है रेड कलर की वो सबसे कम होगी, ठीक है। और विबग्योर में जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान से समझना, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब हमने पढ़ा है कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से होते हैं, उस पे जो कलर है वो कैसे डिपेंड करता है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं उसमें कार्बन और हमने पढ़ा था नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अभी हमने पढ़ा है जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। मतलब जितने भी एटम्स, जितने भी कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच्ड है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन उसमें डोनर एटम है,
उसकी वेवलेंथ हमेशा कम होगी, मतलब वो वॉयलेट या फिर ब्लू कलर ही शो कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर वीक लिगेंड्स, जब वीक लिगेंड होगा तो जो उसकी एनर्जी है वो कम होगी, जब एनर्जी कम होगी तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। अब फंडा क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि एनर्जी कम होगी वेवलेंथ ज्यादा होगी, भाई क्यों होगी, क्या रीजन है इस चीज का। अब देखो, जब लिगेंड वीक है, सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड्स अटैच्ड हैं, अब वो जो लिगेंड है वो वीक है। जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब हमने स्प्लिटिंग पढ़ी थी, वो स्प्लिटिंग जो जब वीक लिगेंड अटैच है तो वो स्प्लिटिंग कम होगी, क्योंकि भाई लिगेंड तो वीक है। जब स्प्लिटिंग कम होगी तो डेल्टा ओ क्या था हमारा, इन केस ऑफ एक्टाहेड्रल जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसकी स्प्लिटिंग जो हो रही है, जब मैंने डायग्राम बताई थी ईजी और टी2जी में जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ही कम हो रही है, तो एनर्जी भी तो कम ही लगेगी ना। जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब कि एब्जॉर्ब क्या करेगा, वो रेड कलर या ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करेगा, और हमें अपीयर कौन सा कलर होगा, ग्रीन और ब्लू कलर अपीयर होगा, राइट। अब इसमें वेवलेंथ जो है कम है, वेवलेंथ कम क्या मतलब, एब्जॉर्ब कौन से कलर करेगा, ये वॉयलेट या फिर ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा, और हमें शो कौन से कलर होंगे, येलो। पे देखो, अब्सॉर्ब कौन से कलर करेगा, ब्लू या फिर वॉयलेट। जब वॉयलेट अब्सॉर्ब करेगा तो येलो शो होएगा, ब्लू अब्सॉर्ब करेगा तो ऑरेंज शो होएगा, ठीक है। आप हमेशा ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो इस टाइप के कलर को अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होगी और ऐसे कलर हमें अपीयर होंगे, ठीक है। अगर हमारा जो लिगेंड है वो वीक है तो वो इस तरह के कलर अब्सॉर्ब करेगा, तो इस तरह के हमें शो होंगे, ठीक है। अब ये बात तो क्लियर होगी, अब्सॉर्ब और कौन से कलर हमें शो होंगे। नाउ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है KMnO4, K2Cr2O7 और CrO3, ये कलर शो करते हैं पर्पल, ऑरेंज और पर्पल, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, अब क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। जब हमने सेंट्रल एटम, इसमें कौन सा, मैग्नीज, क्रोमियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब लिखी तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। होप सो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी आती होगी, ठीक है। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +7, इसकी +6 और इसकी भी +6 आ रही है, ठीक है। अब इसमें जो हम कॉन्फ़िगरेशन अब इनकी लिखेंगे, ठीक है। अब जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो इसमें डी ऑर्बिटल्स है वो एब्सेंट है। जब ऑब्वियस ही बात है, जब डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट है तो उसमें डीडी ट्रांजिशंस तो हो ही नहीं सकती। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट करा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, कुछ कॉम्प्लेक्सेस या कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें डीडी ट्रांजिशंस तो नहीं होती पर फिर भी वो कलर को शो करता है, व्हाई। इसका आंसर वही आएगा, चार्ज ट्रांसफर। इन कंपाउंड में क्या है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये कलर को शो करते हैं। कौन कौन से कलर को शो करते हैं, पर्पल, ऑरेंज, पर्पल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई 80% AgCl, ये परसेंटेज को हम बाद में देखेंगे जब हम आंसर करेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन इतना ही है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन इतना ही है, AgCl जो है वो व्हाइट कलर शो कर रहा है, AgBr पेल येल्लो शो कर रहा है, AgI येल्लो PPT दे रहा है, PPT मतलब प्रेसिपिटेट्स बना रहा है, ठीक है। Ag2S ब्लैक कलर को शो कर रहा है। अब ये जो हमें दिए हुए हैं AgCl, AgBr, ये कलर, ऐसे कलर क्यों शो कर रहे हैं, पर इसमें जो d इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही नहीं, इसका भी वही सेम रीजन आएगा, चार्ज ट्रांसफर। पर इसका आंसर अलग है, वो देखते हैं क्या। सबसे पहले हम इसमें ऑब्वियस ही बात है चार्ज, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट Ag की क्या आएगी, +1, क्योंकि ये सारे क्या है, हैलोजन्स, और इसमें चार्ज कितना होता है, -1। तो जब यहाँ पे -1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2-, ये आप छोड़ो, बस ये पता चल गया कि यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी Ag की, +1। जब Ag की हम कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे देन हमें क्या पता चलेगा कि जो डी इलेक्ट्रॉन है उसमें एबसेंट है, ठीक है। पर फिर भी ये कलर को शो कर रहा है, इसका एक रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ध्यान से सुनना। इफ आयनिक करेक्टर, जब हम ऐसे कंपाउंड हमें मिलते हैं तो हम फाइंड करते हैं कि उसमें आयनिक करेक्टर आ रहा है या कोवलेंट करेक्टर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आयनिक करेक्टर आ रहा है, आपको पता होगा कि आयनिक करेक्टर और कोवलेंट करेक्टर क्या होता है। आयनिक करेक्टर तो वो होता है जिसमें हम चार्ज की सेपरेशन कर सके, जैसे फॉर एग्जाम्पल AgCl, इसमें Ag के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों चार्ज अगर मिलेंगे तो वो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक करेक्टर, जिनमें
हम चार्ज सेपरेशन कर सकते हैं, और जिनमें हम चार्ज सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, उनको बोलते हैं हम कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी शेयरिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सब में आयनिक करेक्टर आ रहा है। अगर जो आयनिक करेक्टर लेस देन 20% आए, देन वो क्या शो करेंगे, कलर्ड कंपाउंड शो करेंगे। ठीक है, समझ में आई ना। कलर्ड कंपाउंड कौन से शो करते हैं, जिनका आयनिक करेक्टर लेस देन 20% हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना, इसको लिख भी लेना आप नोट्स बना रहे होगे आई थिंक, तो आप नोट कर लेना। अब इसमें AgCl में 80% आयनिक करेक्टर आ रहा है, इसलिए इसका कोई कलर नहीं है, ये व्हाइट पीपीटी देते हैं। इसमें 20 के आसपास परसेंटेज आ रही है, तो ये पेल येलो दे रहा है। 15% येलो अपने प्रेसिपिटेट्स बना रहा है, 4% है तो ये ब्लैक कलर दे रहा है। ठीक है, अब हमने लिगेंड्स पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्सेस की अलग अलग एग्जांपल्स दिखा दी आपको। ये क्या है, हमें पता है कि ये वीक लिगेंड है, ये इंटरमीडिएट लिगेंड है, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सबसे पहला पॉइंट हमने यही बनाया है कि नेचर ऑफ लिगेंड कौन सी है। इसमें वीक है, मतलब ये वीक लिगेंड है, ये इंटरमीडिएट लिगेंड अटैच्ड है, अमोनिया, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच है। ठीक है, नाउ ये क्या है, डेल्टा मतलब एनर्जी, जो इसमें मैंने आपको बताया था जब हमने एक क्वेश्चन भी करा था। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि जो लिगेंड वीक है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो डिपेंड करेगी एनर्जी पे। अब जब स्प्लिटिंग कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, जब डेल्टा ओ कम होगा, ये क्या है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कैसे पता चला कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, क्योंकि इसके साथ 6 लिगेंड्स अटैच है। अगर इसके साथ 4 लिगेंड्स अटैच होते तो ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता। ठीक है, अब इसमें डेल्टा ओ क्या है, लेस है, मतलब स्प्लिटिंग कम है, एनर्जी कम है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लाइट कलर ट्रांसमिटेड ऑरेंज। ठीक है, अब जब वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम कौन सी होती है, किस किन किन कलर्स की होती है, वॉयलेट और ब्लू की, वो अब्सॉर्ब करेंगे वॉयलेट और ब्लू, शो हमें करेंगे ऑरेंज और येल्लो। ठीक है, ऐसे ये इंटरमीडिएट लिगेंट है, इसमें स्प्लिटिंग भी इंटरमीडिएट होगी, कलर जो शो करेगा वो ब्लू कलर देगा। ठीक है, अब्सॉर्ब करेगा, सॉरी। इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंट है, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा रही है तो एनर्जी हमें ज्यादा ही चाहिए होगी ना, एनर्जी ज्यादा होगी तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इस तरह से हमने तीन एग्जांपल्स ली और हमने ये शो कर दिया। आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है, कलर स्पेक्ट्रा एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ बीच में हमारा एक लेक्चर स्किप हो गया, जब हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी, देन हमने उसके फैक्टर्स नहीं पढ़े कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब किस किस पे ये थ्योरी डिपेंड करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर्स स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ये लेक्चर आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहना। थैंक यू सो मच, गुड लक।